फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वार्ली पेंटिंग। वार्ली पेंटिंग करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, पेंसिल, पेपर और स्केच पेन। ओके, ये तीन चीजों के साथ हम वार्ली पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो वार्ली पेंटिंग तीन कलर से की जाती है, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। ओके, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बनाकर रखा है, आप लोग देख सकते हो। बट आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वार्ली पेंटिंग का एकदम बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे कि कैसे वो ड्रॉ करना सीखते हैं। इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से शेप्स है वो हम अभी देखेंगे। लाइन, इट्स अ स्लैंटिंग लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल। ओके, हम लोग ये तीन ज्योमेट्रिकल शेप्स की बेसिस पे वार्ली पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने देख लिए ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन कौन से, एक तो स्लैंटिंग लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल। अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, उसे आप लोगों को आता ही होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से हम एक और लाइन नीचे की तरफ स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखिए कैसे दिख रहा है, ये जेड के जैसे दिख रहा है। अब ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमने जब ड्राइंग किया तो हमें टू ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ओके, यहाँ तक का हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोगों ने जो स्टार्टिंग पॉइंट किया था, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहां पे मिडिल में एकदम छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हेड हो गया और हम लोगों ने उसके बॉडी का इतना फिगर हम लोगों ने रेडी किया। अब हम क्या बनाएंगे, हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस का। हम लोग नीचे की तरफ डाउनवर्ड में लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर की साइड जाएंगे। ओके, और एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। सेम थिंग हम इस साइड भी करेंगे, डाउनवर्ड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ और एक इस तरीके से छोटी। ओके, अब हम लेग्स बनाएंगे। इसमें भी हमें सिर्फ लाइंस का यूज करना है, एक छोटी सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन हम छोटी सी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक और लाइन इसी से कनेक्ट करते हुए और एक नीचे कॉर्नर पे छोटा सा मार्क जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरफ भी हम लोग दूसरे लाइन के लिए भी वही सेम चीज करेंगे। ओके, तो आप लोगों का यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया, ये जो है ये किसका फिगर रेडी हुआ, मैं। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें हम वुमेन का भी जो फिगर होता है ना, एग्जैक्टली हमें सिर्फ इन्हीं शेप्स के यूज करना रहता है, बट हम क्या करेंगे, इसके हेड पर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके पीछे कुछ लाइंस हम इस तरीके से बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। फिर यहाँ पर इसके हाथ में हम लोग जैसे बैंगल्स पहनते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन से कट मार जैसे कर देंगे दोनों हाथ। ये जो शेप रेडी हुआ, ये जो फिगर रेडी हो गया है, वो है वुमेन। देखिए कितना इजी है, हमें कुछ ज्यादा यूज करना पड़ा। जनरली हम लोगों ने सिर्फ ज्योमेट्रिकल तीन शेप्स का यूज किया, कौन कौन सी, लाइन का, सर्कल का और ट्रायंगल का। अब हमें इसे फिल करेंगे, फिल कहाँ से, इसको फिल हम लोग, आप लोगों के पास जो भी कलर हो उससे आप लोग कर सकते हो, बट फिल करने के लिए हम
फील करेंगे। तो मैंने इसका हेड फिल कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में चाहिए वरना आपके स्केच से वो अच्छा नहीं दिखेगा। देखा आप लोगों ने वाली पेंटिंग बनाना कितना इजी है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके पास ड्राइंग शीट होगी और मैंने आप लोगों को पहले ही इंस्ट्रक्ट किया था कि हमें इसे बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, सिर्फ तीन चीजों, एक तो पेंसिल, दूसरा आपके पास जो भी स्केच पेन अवेलेबल है वो स्केच पेन यूज कीजिए और आपके पास ड्राइंग पेपर्स होंगे उसमें आप लोग ये ड्रॉ करके इसके पिक निकाल के आपके टीचर को व्हाट्सएप पे सेंड करें। ओके, थैंक यू।